देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव आपकी आवाज। यूपी के कानपुर में कोटेदार लावा मिथिलेश कुमारी द्वारा किया जा रहा जमकर अनियमितताओं का खेल। कार्ड धारकों को मानक से कम दिया जाता है राशन, मानक से ज्यादा वसूला जाता है पैसा। कोटेदार के पुत्र द्वारा किया जाता है अभद्र भाषा का इस्तेमाल। अगर कोई ग्रामीण शिकायत करता है तो सत्ता पक्ष के नेताओं तक पहुंच होने के कारण मामले को ठंडे बस्ते में दबा दिया जाता है और शिकायतकर्ता का राशन कार्ड नाम सूची से भी हटा दिया जाता है। आगे आइए सुनते हैं राशन कार्ड धारकों का क्या कहना है। क्या नाम है आपको? कितना गल्ला मिला आपको? 30 किलो का यूनिट है बेटा। कहाँ गई थी आप राशन लेने? कितना राशन मिला है? कितना मिलना चाहिए? 15 मिलना चाहिए। वैसे मुझे पता नहीं है, हम पहली बार लेने हैं। अच्छा, गांव कौन सा है आपको? ये लगवा है। अच्छा, ये में कई यूनिट है कार्ड में? कई यूनिट है, मतलब कितने लोग चढ़े हैं इसमें अभी? ये नहीं हम। अच्छा, गल्ला कितने लोगों को मिलता है आपको? गल्ला? हाँ, अम्मा को। हाँ हाँ, आप लोगों को कितना गल्ला मिलता है? 14 गल्ला मिलता। 14। और वैसे मिलना कितना चाहिए? अब कितना हमको? 14 ही देता है। एक किलो काट देता है। अच्छा, एक किलो काट के देते हैं? हाँ। तो आपने कभी कहा नहीं कि एक किलो काटते क्यों हो? अब गांव के हिसाब से नहीं कहा है। अच्छा, लेकिन एक किलो काटते हैं? हाँ। आपका क्या नाम है? है? आपका गांव कौन सा है? लगुआ। अभी कितना गल्ला दिया आपको? 14। वैसे मिलना कितना चाहिए आपको? तो एक किलो कम दिया है। तो ऐसा क्यों, कम क्यों दे रहे हैं? आपने कहा नहीं उनसे कि कम क्यों दे रहे हैं? मालूम नहीं था कैसे।